तो चलते हैं सिसारमा नदी का तट देखने के लिए, कितना पानी आ रहा है। और आज बरसात का सातवां दिन है, लगातार नगर में बरसात हो रही है। सुबह सुबह बरसात हुई थी, उसके बाद अभी अभी जो है लगभग दो घंटे से बरसात नहीं हुई है और दो घंटे से थोड़ा सा माहौल ठीक है। सिसारमा नदी का दृश्य मैं बताने जा रहा हूँ, बस पहुँच चुके हैं, आप बिल्कुल थमे रहें। सिसारमा नदी का दूसरे छोर पर हम आए हैं, जो कि नदी कितनी आ रही है उसके बाद हमें आगे एक छोर और बताऊँगा। ये सिसारमा नदी का दूसरा तट है जहाँ नदी कितनी आ रही है, क्या आ रही है उसका दृश्य मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो बने रहें। ये कचरा अभी तक पड़ा हुआ है, लोगों के दिमाग में कचरा है तो क्या करेंगे। आप देख पा रहे किस प्रकार से नदी लगातार आ रही है। नदी का ये दृश्य है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से नदी जो है अभी भी चलती जा रही है। लगभग आज नदी का जलस्तर कम है, लगभग 3 फीट मान सकते हैं हम, 3 फीट के आसपास ये नदी जो है लगातार चल रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि सिसारमा नदी लगातार चल रही है और लगातार पिछोला का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज बड़ा ही धर्म पुण्य का दिन है, बस बारिश का दिन है, माता अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। लगातार पानी जो है वो चल रहा है, बनाए हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। तो बड़ा दिल पसंद हो जाता है जब नदी आती है और नदी पे दर्शक जब होते हैं तो और भी आनंद आता है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। लगातार हो रही बरसात, आज थोड़ा सा शांति मिली है लेकिन दुख भी है। दुख है, बंद नहीं होनी, झीले हमारी खाली खाली है, भरेगी, चादर चलेगी। हाँ हाँ हाँ, क्या लग रहा है? बस बनने वाली उम्मीद है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो ये हमारे उदयपुर का देख दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ सिसारमा नदी कतरी है। नदी कतरा फीट है? 3 फीट है। हाँ, 3 फीट ही होगा, 4 तो नहीं है। तो 3 फीट नदी जो है चल रही है। तो देखिए नदी को देखने के लिए दर्शक यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे गांव के हो, शहर के हो, सारे दर्शक यहाँ मौजूद है और कुछ अपना जुगाड़ कर रहे हैं पेट का, कैसे पेट भर जाए। तो उदयपुर की सबसे बड़ी नदी सिसारमा नदी का तट आप देख पा रहे हैं, जहां 3 फीट नदी चल रही है, लगातार बरसात जो है, लगातार पानी जो है वो चल रहा है। देखिए आप जो कचरा फेंक देते हैं उस कचरे का यहां पर किस प्रकार से इकट्ठा हो जाता है। यही कचरा बाद में झील में जाने वाला है और झील के जाने के बाद यही पानी हम पीने वाले हैं। जहाँ एक तरफ आप हाय हुल्ला उठाते हो और झंडे लेके आ जाते हो, पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है, बीमार हो रहे हैं, बीमारी का कारण यही है कि ये कचरा जब इसमें जाएगा तो कहाँ से शुद्ध पानी आएगा। तो आप देख पा रहे हैं दृश्य आपके सामने है। तो झंडे उतारना बंद करें, कचरा बाहर निकालना शुरू करें, ताकि आप भी योगदान दें इस प्रगति के योगदान में और हमारे इस देश में सर्वांगीण विकास में सभी भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद नदी का ये तट देखने के लिए, आप सभी की सभी को शुभकामना। भाऊ जी, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है। थोड़ा यार इसमें क्या अच्छे लोगों के फोटो खींचे। अरे जब गांव के सिसारमा के जब लोग और आप तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, कैसा लग रहा है उदयपुर का? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़े के जिले जिले भर जाएगी, करीब करीब भर जाएगी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या बात है, आशा ही अमर धन, आशा ही अमर धन। वाह भाई वाह, बहुत देर है।